मेरा नाम दीपक देवगन, सिविल अस्पताल दे हेल्थ वेलफेयर एसोसिएशन दे मैं प्रधान। साडे चेयरमैन साहब मानयोग डॉक्टर के शर्मा जी जिहड़े साडे इत्थे हॉस्पिटल च ऑप्थल्मिक अफसर ने, और सरकार दे डेपुटेशन दे फैसले नूं रद्द करके मुलाजमान नूं उन्हां नूं दोबारा उन्हां दी पुरानी जिहड़ी जगह जिथों तनखाह लैंदे ने उत्थे भेजण दे रोस वजों अज हड़ताल सिविल अस्पताल दे दूजे दिन च पहुँच गई। साडी उच्च अधिकारियां नाल तालमेल होया वा, सानूं विश्वास दवाया गया वी तुहाडियां मंगां नूं जल्द तो जल्द पूरा किया जाएगा। पर अफसोस की गल है भी जे कोई चंगी या माड़ी गल तो फटाफट चिट्ठी निकल जाती है। जे अज मरीज औखा है, सरकार नूं भी पता वा, सरकार ने 24 घंटे नहीं, अज करीब देखो 1.5 दिन हो गया वा, 12 बज गए ने, तो अज तक उन्होंने कोई फैक्स मैसेज नहीं दिता भी इन्हां मुलाजमान अज अगर वधीकी होएगी या हस्पताल के काम नूं सुचारू रूप से ढंग नाल चलाउण वास्ते की उपराला करना है। कि ये सारे मुलाजम ही उपराला करन, कि सरकार का कोई फर्ज नहीं बनता कि अपने मुलाजमान को उन्हां को ड्यूटी जिहड़े मुलाजम इत्थे ड्यूटी देण वास्ते राजी ने जिहड़े डेपुटेशन ते उन्हां नहीं लाए ने अपने आप ते आ नहीं गए, और उन्हां नूं मुड़ दोबारा उन्हां नूं डेपुटेशन ते भेज दिता गया भी वापस उन्हां दी असल पोस्टिंग की जगह ते। साडी एसोसीएशन ने सवेरे मीटिंग की, बड़ा भरवां हंगारा मिलिया, सारे डिपार्टमेंट जिन्हां विचों लैबोरेटरी, एक्सरे, ECG, फार्मासिस्ट, एमरजेंसी, मेडिकल अफसर, इन्हां सारा इन्हें बड़ा सानू योगदान दिता और विश्वास दवाया भी असीं तुहाडे नाल आ। मुलतवी की अज तो अगलेरे दिन भी सारे मुलाजमान के सहयोग के नाल इस मुहिम नूं, इस हड़ताल के दौर नूं होर तिखा करके सरकार नूं दस्या जाएगा ताकि मरीज नूं कोई मुश्किल ना आवे। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਈਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਹੜਤਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਜੀ।